नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, जिसमें हम जो है हिमाचल दर्पण की बुक को कवर करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर वन है, जिसमें हम लार्जेस्ट और हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश को कवर करने वाले हैं। इसी तरह से जो है सारी हिमाचल दर्पण जो बुक है उसको हम कवर करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए, बिना किसी देरी के आज हम पहला लेक्चर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हो जो है हम लार्जेस्ट और हाईएस्ट के बारे में जानेंगे हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, राइट। तो चलिए वन बाय वन जो है हम चलेंगे हम लेक्चर को लेके, इसमें सारा का सारा सिलेबस जो भी आता है वो हम कवर करेंगे, राइट। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी है, तो आपको पता होगा कि मोस्ट पॉपुलस जनसंख्या के आधार पे जो है हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ योर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या है। अब फिलहाल यहाँ पे आपको मैं स्मॉलेस्ट नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, हम लार्जेस्ट और हाइएस्ट की बात करने वाले हैं। दूसरी बात की जा रही है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, तो एरिया वाइज जो है आपकी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो है हमारी लाहौल एंड स्पीति, राइट। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट रिवर। अगर आप जल घनत्व के जो है बारे में अगर हम जानेंगे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो चिनाब आती है, ठीक है। अगर आप पानी के आधार पे देखें कि वाटर किसका सबसे ज़्यादा है, तब आंसर क्या होगा आपका, चिनाब। अदरवाइज़ अगर आपको लॉन्गेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश की पूछी जाएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज़ योर सतलुज, और इसकी जो है लेंथ 320 यहाँ पे आपको किलोमीटर देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट ग्लेशियर, सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, दैट इज बराशिकरी जो है ये हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका लाहौल में, लाहौल एंड स्पीति में लोकेटेड है। नेक्स्ट लार्जेस्ट नेचुरल लेक, तो नेचुरल लेक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कौन सी है, ये हमारी रेणुका लेक है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपकी सिरमौर में है, राइट। नेक्स्ट लार्जेस्ट मैनमेड लेक, तो मैनमेड लेक कौन सी है, हमारी गोविंद सागर लेक, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। हाईएस्ट लेक कौन सी है, हाईएस्ट लेक कौन सी है हमारी, ये है हमारी सूरजताल लेक, कहाँ लोकेटेड है, तो ये हमारी लाहौल एंड स्पीति में, राइट। और कितनी हाइट है इसकी, 4800 मीटर जो है आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची जो है आपको पर्वत चोटी बतानी है कौन सी है, तो ये है शिल्ला, ठीक है, शिल्ला पर्वत चोटी है, और इसकी हाइट जो है 7026 मीटर की है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इन दोनों का आंसर। नेक्स्ट हाईएस्ट इरिगेशन स्कीम जो है, अगर हम बात करें सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, ठीक है, बिगेस्ट भी यहाँ पे हो सकता है, हाईएस्ट या फिर बिगेस्ट जो है आपकी सबसे बड़ी, हाईएस्ट नहीं होगा, बिगेस्ट इरिगेशन स्कीम कौन सी है आपकी, तो वो शाह नहर योजना, ठीक है, तो शाह नहर परियोजना जो है ये आपकी बिगेस्ट है। बिगेस्ट एयरपोर्ट जो है आपका ये कहाँ पे है, ये आपका गग्गल में है, जो कि आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर कौन सा है, मछली प्रजनन केंद्र जो है एशिया का कौन सा है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, दियोली में है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर में, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है हिमाचल प्रदेश में, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है आपका नेशनल हाईवे 22 जो कि आपका जो हिंदुस्तान तिब्बत जो है सड़क, ठीक है, हिंदुस्तान को तिब्बत के साथ जो है यहाँ पे ये जोड़ता है, राइट। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा जो है जल विद्युत जो है हमारा परियोजना कौन सी है, तो ये है हमारा पार्वती
पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हमारा जो है सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ पे है, राइट। इसमें जो है कैपेसिटी मैं आपको बता देता हूँ, 2051 जो है मेगावाट की यहाँ पे इसकी टोटल कैपेसिटी है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी कहाँ पे है, ये है हमारी लाहौल स्पीति में, और कहाँ पे, क्या नाम है इसका, किब्बर। ठीक है, कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में, राइट। हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सबसे ऊंचा जल विद्युत जो है आपका प्रोजेक्ट जो है ये कौन सा है, ये आपका रोंगटोंग, रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी कहाँ पे है, ये लाहौल एंड स्पीति में। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट विद मोस्ट रोड, सबसे ज़्यादा रोड जो है आपके कहाँ पे हैं, ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर किसका है, ये आपका हमीरपुर का है। ठीक है, याद रखिएगा, हमीरपुर का सबसे ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट है कितना है, 89.01% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस, राइट, 89.01%। हाईएस्ट सेक्स रेशो यानी कि जो आपका लिंग अनुपात जो है सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये भी आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का ही है, कितना है, 1096, 1096 जो है ये आपका हाईएस्ट सेक्स रेशो हमीरपुर का है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी है, किस डिस्ट्रिक्ट की है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तब भी जो है आपका आंसर क्या होगा, हमीरपुर होगा। याद रखिए, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जो है कांगड़ा है, पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे कौन है, आपकी हमीरपुर है, कितना, 406 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में लोग रहते हैं। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन यानी कि शेड्यूल काल की कास्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी तरह एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आपकी चंबा में है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अगर कांगड़ा की अगर हम बात करें तो 27 लाख लगभग जो है आपको यहाँ पे एससी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो आपका जो चंबा है वहाँ पे 11 लाख अराउंड जो है यहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन है। हाईएस्ट सिटी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, सबसे शहरी आबादी जो है आपकी शिमला में है। ठीक है, शिमला में है, आंसर याद रखिएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि लघु उद्योग जो रहते हैं आपके, लघु उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो याद रखिए कांगड़ा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे इनके आंसर आपको जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट एप्पल प्रोडक्शन या फिर जो है जो आपका सेब जो रहता है सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो ये आपको पता होगा, ये आपका शिमला में। ठीक है, शिमला जो है हाईएस्ट जो है एप्पल प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे तो आप देखेंगे जो आपका 918 पोस्ट कोड का एग्जामिनेशन अभी जो क्लर्क का हुआ था, उसमें मैंगो के बारे में पूछा गया, तो मैंगो की जो है कहाँ पे होती है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, वो हमारी कांगड़ा में होती है, राइट। अब जिंजर अदरक की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, वो आपकी सिरमौर में होती है, कहाँ पे, सिरमौर के अंदर। और मैंगो की देख लीजिएगा, मैंगो की कांगड़ा में सबसे ज़्यादा, राइट। सबसे बड़ा जो है फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, सबसे बड़ा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, परवाणु में, कहाँ पे है, परवाणु में है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, ठीक है, प्रशासनिक जो है सबसे बड़ा जो बोर्ड है वो कहाँ पे है, वो उसको हम मंडी में देखने को मिलता है, राइट। हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सबसे ऊंचा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है, तो ये है आपका केलोंग का, केलोंग का जो है सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और इसकी हाइट जो है 3165 मीटर की है, राइट। और केलोंग कहाँ पे, आपका लाहौल एंड स्पीति में है। ठीक है, हाईएस्ट पास, सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, दिस इज कॉल्ड परांगला, परांगला पास जो है हाईएस्ट है हिमाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। और इसकी हाइट अराउंड जो है 5548 मीटर है। कई बार क्या होता है कि आपको जो है इसकी हाइट पूछ ली जाती है डिजिट इसमें, ठीक है ना, नंबर्स में, तो हाइट भी आपको याद रखना है हाईएस्ट का और बिगेस्ट का, जो भी आपको पूछा जाता है उसका, राइट। हाईएस्ट ब्रिज जो है वो कहाँ पे है, तो कंदरौर का ब्रिज जो है
कंदरौर ब्रिज जो है आपका, जो बिलासपुर में पड़ता है, वो आपका हाईएस्ट ब्रिज है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। लगभग जो है 80 मीटर की हाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा। अगर पूछा जाएगा कौन सी नदी, तो सतलज नदी, सतलज नदी पे ये बना है। हाईएस्ट डैम जो कौन सा है हमारा, तो हाईएस्ट डैम जो है भाखड़ा डैम है। भाखड़ा डैम भी कहाँ पे, आपका बिलासपुर में है, राइट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम, तो ये आपका कहाँ पे है, चैल में है। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का है ये, पूरा वर्ल्ड का, तो चैल जो है जो कि आपके सोलन में है, वो आपका हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। सबसे ऊंचा विलेज, अब ये जो है ये नया अपडेट हो चुका है, तो अभी के टाइम पे सबसे हाईएस्ट विलेज जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में, दैट इज़ योर कौमिक, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो था वो किब्बर था, राइट, लेकिन अब जो है ये कौमिक है। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें, 4587 मीटर की जो है आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। लार्जेस्ट हॉट वाटर स्प्रिंग जो है ये है मणिकरण का। मणिकरण कहाँ पे है आपका, कुल्लू में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कसोल के ठीक 2 या 3 किलोमीटर आगे जो है आपको मणिकरण देखने को मिलता है। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो ये कांगड़ा में सबसे ज़्यादा जो है आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। अगर ड्राइएस्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जिसमें सबसे कम जो है वर्षा होती है, वो है आपका लाहौल एंड स्पीति, जिसमें सबसे कम जो है यहाँ पे वर्षा आपको देखने को मिलती है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, हमारा सबसे ऊंचा टेम्पल कहाँ पे है, कौन सा टेम्पल है, तो ये है आपका जटोली, ठीक है। जटोली टेम्पल जो है ये आपका हाईएस्ट टेम्पल है। कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका सोलन में लोकेटेड है, राइट। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर योर हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज, जिसमें हमने बिगेस्ट और हाईएस्ट जो है, बिगेस्ट लार्जेस्ट के बारे में जाना, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और इसका डेटा भी आपको ज़रूर याद रखना है, जो भी मैं यहाँ पे नंबर्स बता रहा हूँ, जैसे कि हाईएस्ट पास हमने देखा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम सभी लेक्चर्स को कवर करते चलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज कवर करना है। इसी के साथ साथ जो है हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले जय हिंद।